जान लेने वाला दोस्त बन सकता है तो जान बचाने वाला तो बन ही सकता है। कुछ बे मत पूछ, बता ना भूसड़ी के। झाट जल गया था, कान से खून निकाल दिया था। तुझे म्यूजिक का सेंस नहीं लोड़े, एक दिन पूरी दुनिया मेरे म्यूजिक को पसंद करेगी। हट भूसड़ी के। अरे चल ना, मौसम भी बहुत अच्छा है आज। अरे चल। अरे रुक रुक रुक, ये क्या है? ये हट लाना भोसड़ी। कितना बड़ा गांडू है वे तू, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तेरी जान बचाई साला। तब से तू मेरी कुंडली में बैठ गया। तू दोस्त नहीं दुश्मन है दुश्मन, और आज के बाद से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ओ भोसड़ी के, बचपन की दोस्ती है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? साले तुझे बचाने के चक्कर में मैं अंधा हो गया। अंधा हो गया ओ काने, पूरी दुनिया की तरह मुझे भी चूतिया समझ रखा है क्या? अंकल आपको कितनी बार कहा है ये सब बातें आप मत बोला करो, आप बस अच्छे से छुटकी का ख्याल रखो, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है अंकल, ठीक है मैं रखता हूँ। ठीक है पापा, कैसे हैं? ठीक है। और छुटकी? इतनी चिंता है तो खुद ही बात कर ले। तू छोड़ यार, रहने दे, आज तो बांसुरी नहीं बजाओगे? सरप्राइज है भाई तेरे लिए। क्या है ना? क्या है देख। क्या हुआ बे, क्यों मुंह बना के बैठा है? वो प्रिया, ब्रेकअप हो गया क्या उससे तुम्हारा? नहीं यार, दरअसल मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करती ही नहीं। एक बात बता, अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती तो तेरे साथ क्यों रहती? ऐसा लगता है कि तरस खाकर रिलेशनशिप में आई, बात बात पर सिंपैथी देती है। यार उसके साथ होता हूँ तो मुझे अपने अंधेपन का एहसास होता है।
अगर इतनी ही तकलीफ है तो छोड़ क्यों नहीं देते उसे? वैसे भी उसे तुम्हारी पूरी बात पता भी नहीं है। यार मुझे सिंपथी नहीं चाहिए, एम्पथी चाहिए। वो क्या होता है बे? जो तू मुझे देता है। अबे चल। भाई इतना ही पीने का शौक है तो बार में जाके पिया करना। दिल्ली में बहुत लोग जानते हैं मुझे, और किसी ने देख लिया तो बाप तक बात पहुंच सकती है। अबे डरपोक साले, जिंदगी जीना है तो खुल के जीना। बाप मिनिस्टर है तेरा, फिर क्यों डरता है तू किसी से? चुप कर साले, तू तो बोली मत ये बात। लाइफ से डर के तो खुद कूद जाता है गाड़ी के नीचे, उसका क्या? अबे वो तो बस चुप, बकचोदी मत क्या कर, अब शांति से पीने दे मुझे। पानी कितना कम हो गया है नदी में। यहाँ क्यों बुलाया? तुम जानते हो इसे? आई मीन तुम इसकी आवाज सुन सकते हो क्या? तुम इसे देख सकते हो? तुम इसे कैसे जानते हो? मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसके गाड़ी के नीचे इसने सुसाइड किया था। साले के चक्कर में पुलिस केस हो गई थी। वो तो मिनिस्टर है बाप मेरा, इसलिए बच गया मैं। अच्छा खेल खेला है, जिंदगी से छुटकारा भी पा लिया और घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा भी दिलवा दिया है, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम कैसे जानते हो इसे? जब जान लेने वाला दोस्त बन सकता है तो जान बचाने वाला तो बन ही सकता है। इतनी चिंता है तो खुद ही बात कर ले तू। छोड़ भाई, रहने दे। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तेरी जान बचा। बाप मिनिस्टर है तेरा, फिर क्यों डरता है तू किसी से? चुप कर साले, तू तो बोली मत ये बात। लाइफ से डर के तो खुद कूद जाता है गाड़ी के नीचे, उसका क्या?